हेलो दोस्तों, आज आपको हर व्यक्ति अच्छे बुरे स्वर्ग नरक जैसी बातों पर लेक्चर देता मिल जाएगा। बट क्या रियलिटी में कभी आपने सोचा है कि होता क्या है? कुछ भी गुड नहीं होता, कुछ भी बैड नहीं होता। ये हमारा एंड सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है जो इसे गुड एंड बैड बनाता है। स्वर्ग एंड नरक जैसी कोई भी जगह नहीं होती, ये केवल स्टेट ऑफ माइंड है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बट कॉन्शियसली यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल होता है। जब दुनिया के 99% लोग मॉर्निंग में अपने बेड को ना छोड़ने के बहाने बना रहे होते हैं एंड अपने अलार्म के स्नूज बटन को बार बार दबा रहे होते हैं, तब दुनिया के 1% सक्सेसफुल पीपल, एग्जांपल नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोग हमसे कम 2 घंटे पहले ही उठकर खुद को दुनिया के सामने प्रूव करने को खुद को प्रीपेयर कर चुके होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब ये लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे ये खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाते हैं। इसीलिए लोग लीडर और हम फॉलोअर्स कहलाते हैं। इन लोगों का मॉर्निंग रूटीन ही इन्हें सबसे हटकर बनाता है। अगर हम भी केवल अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज कर पाएं तो हम भी इन 1% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। आज मैं आपको मिस्टर रॉबिन शर्मा की फेमस बुक द 5 AM क्लब से कुछ मॉर्निंग रूटीन्स बताने वाला हूं, जो मोस्टली वर्ल्ड का हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ग्रेट लीडर एंड टॉप एथलीट यूज करते हैं। फर्स्ट रूटीन आता है ट्रिपल 20 फॉर्मूला। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब हमारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश, शार्प एंड एक्टिव होता है, तो इस समय में हम इसे जैसा प्रोग्राम कर दें उससे वैसा ही काम ले सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग सुबह उठने के बाद का 1 आवर हमारा विक्ट्री आवर होता है, तो हमें इस टाइम पर ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम पूरा दिन प्रोएक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी रहें। ऑथर इस 20 फॉर्मूला में हमें मूव, रिफ्लेक्ट एंड लर्न करने को कहते हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है एंड डीप ब्रीथिंग करनी है। ऐसा करके हम सबसे पहले अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हैं एंड बिना अपनी बॉडी को रिचार्ज किए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बिना इस 5 AM क्लब का कोई मतलब नहीं होता। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, डीप ब्रेथ करते हैं, तो हमारी बॉडी में पसीना एंड हमारे माइंड में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड ऑप्टिमल लेवल तक फोकस रहता है एंड हम किसी भी काम को प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव तरह से कर पाते हैं। सक्सेसफुल पीपल कुछ अलग नहीं करते, बस कुछ अलग हटकर करते हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी बॉडी हमेशा फिट रहती है एंड वो ऑर्डिनरी लोगों से कुछ ज्यादा रिजल्ट दे पाते हैं। नेक्स्ट 20 मिनट में ऑथर हमें मेडिटेशन करने की एडवाइस देते हैं, जिससे हमारा माइंड शांत रहता है एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाता है। ऑथर के अकॉर्डिंग सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो उन्हें इन 20 मिनट्स में जर्नलिंग, प्लानिंग एंड प्रे करने की वो एडवाइस देते हैं। इन तीनों में भी हमारा माइंड केवल एक जगह पर ही फोकस होता है। मेडिटेशन या माइंड को एक जगह फोकस करने से हमारे माइंड के सारे थॉट क्लियर हो पाते हैं, जिससे हम अपने काम को क्रिएटिव वे में कर पाते हैं। लास्ट 20 मिनट में हमें लर्न करने की एडवाइस दी जाती है। इसमें हम खुद को एंड हमारे गोल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट होता है कि हम कोई बुक पढ़ लें या कोई ऑडियो बुक सुन लें, या इजीली हम इस बुक के जैसे यूट्यूब पर कोई बुक रिव्यूज देख सकते हैं। इससे हमारा माइंड पूरा दिन पॉजिटिव वाइब को फील करते हुए वर्क को एक स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस तक ले जाएगा। इन शॉर्ट, आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले एंड जिससे आप मेंटली रिचार्ज हो सके। ऑथर के अकॉर्डिंग इस विक्ट्री आवर को हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने पर हम कुछ ही समय में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हैं। सेकंड आता है 3-स्टेप फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू 3-स्टेप फॉर्मूला, अवेयरनेस एंड न्यू टू न्यू चीजों के बारे में जानने की आपकी क्यूरियोसिटी आपको किसी भी चीज या सिचुएशन में आपका एटीट्यूड चेंज करती है। इससे आप ओपन माइंडेड बनते हैं एंड आपका चीजों को सिलेक्ट करने का नजरिया बदलता है एंड जिससे आप अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट रिजल्ट हासिल कर पाते हो। अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी आपको एक बेस्ट सिलेक्शन तक ले जाती है एंड बेस्ट सिलेक्शन आपको एक बेस्ट रिजल्ट तक ले जाता है। थर्ड फॉर्मूला आता है द 4 पिलर। जैसे जब हम अपना घर बनवाते हैं तो सबसे पहले इंजीनियर से मैप बनवाते हैं, सही वास्तुशास के बारे में जानते हैं, इन शॉर्ट हर चीज को सिस्टमेटिक वे में करने पे बिलीव करते हैं एंड लास्ट में घर को सजाने के लिए एक बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर को सिलेक्ट करते हैं। इन द सेम वे हमें भी अपनी लाइफ को बोल्ड करने के लिए 4 प्लस बनाने पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट आता है हमारा माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड लास्ट सोल सेट। माइंड सेट मीन्स हमारे सोचने या किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने का तरीका। ये हम दूसरों को फॉलो करके भी सीख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं एंड हम केवल माइंड सेट से ही खुद को बोल्ड नहीं कर सकते। माइंड सेट के साथ साथ आपको हार्ट सेट भी बोल्ड करना है। हार्ट सेट मीन्स होता है हमारी फीलिंग, किस टाइप की फीलिंग्स है हमारी, कैसे इमोशंस हम रखते हैं एंड कैसे हम अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता।
माइंडसेट एंड हार्डसेट ये केवल आपके घर का 50% हुआ, इसके साथ साथ आपको अपने घर का बीम उसकी नींव यानी हेल्थ सेट पर भी काम करना होगा। कितना भी अच्छा आपका माइंडसेट एंड हार्डसेट है, कितनी भी अच्छी फीलिंग्स हैं, बट जब तक आप हेल्दी नहीं हैं तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। बिना हेल्थ के आप खुद को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे बिना बैटरी के डेड पड़ा आपका मोबाइल फोन। ये सबसे बेस पिलर है, तो इस पर तो आपको काम करना ही करना है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा सोल सेट। सोल सेट मीन्स होता है जो जुड़ा है हमारे आध्यात्म से, जिसको गौतम बुद्ध ने सबसे ऊपर बताया हुआ है। बट जब तक हम अपने माइंड सेट, हार्ट सेट एंड हेल्थ सेट को बोल ना कर लें, तब तक हम सोल सेट तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर हम इन चारों प्लस को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक ग्लोरियस एंड वंडरफुल लेवल तक ले जा सकते हैं। फोर्थ आता है हैबिट बिल्डिंग। अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में 66 डेज का टाइम लगता है। यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए हमें केवल 21 डेज लगते हैं। रॉबिन बोलते हैं किसी भी हैबिट को कम्प्लीटली बिल्डअप होने के लिए 22 डेज के 3 स्लॉट से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्टॉलेशन, थर्ड वन इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्लॉट में हमारी ओल्ड हैबिट का डिस्ट्रक्शन होता है, वो खत्म होती है। सेकंड स्लॉट में न्यू हैबिट का इंस्टॉलेशन होता है। एंड थर्ड स्लॉट में ये हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेट हो जाती है एंड खुद ही ऑटोमेटिक मोड पर आ जाती है। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हो तो आप इस 5 AM क्लब के मेंबर बन सकते हो। फर्स्ट 22 डेज आप बहुत वियर्ड फील करोगे, सेकंड 20 डेज आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एंड लास्ट 22 डेज तक ये क्लब आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज करके आपको 1% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में लाकर रख देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करो अगर आपको ये बातें काम की लगी हूँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर।